मजे की हवाएं चल रही हैं, आप सब लोग देख सकते हैं पाकिस्तान का परचम कैसे लहरा रहा है। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे बैठकर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, अ लिटिल टॉक वीडियो, यहाँ से आप सब लोग देखें। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू मुर्तजा, व्हाट अ व्यू, ओह माय गॉड, वाओ, ओह माय गॉड, फैबुलस। ये सबसे अच्छी जगह वीडियो बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे कहीं कैमरा सेट करके ना तो फिर आप सब लोगों से मिलती हूँ। वाओ, आई एम इन लव विद दिस वेदर, बहुत ही कमाल का वेदर हुआ है। गाइस यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड अपना ढूंढ लिया है, मैं इस पर लगाऊंगी मोबाइल और वीडियो बनाऊंगी। तो यार गाइस आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं और मुर्तजा इतने प्यारे वेदर में आके इंजॉय करने और मैं साथ अपनी वीडियो बनाने आई हूँ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो यार गाइस आज यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है, मैंने जैसे आप सब लोगों को भी दिखाया और इतनी मज़े की हवाएं चल रही हैं। मैं और मुर्तजा आ गए यहाँ पे टेरेस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करने, मैं वो तो नहीं आएगा, मैं आप सब लोगों के साथ एक छोटा सा लिटिल टॉक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से शेयर कर दूँ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो, टाइम वेस्ट करने से पहले और हवाएं चलना बंद हो जाएं और जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। और गर्मी के तो बहुत बुरे हालात हैं, हर वीडियो में मैं यही कह रही होती हूँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो यस बहुत गर्मी है और यस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है ना, वो दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, पैशन वर्सेस प्रोफेशन और स्किल वर्सेस जीपीए। सो यार गाइस व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि पैशन के प्रोफेशन, तो मेरा तो बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है ना, मैं आप सब लोगों से वो शेयर करने वाली हूँ, तो जो मैं सोचती हूँ वैसे मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ। तो यस तो यार गाइस मेरे नज़दीक ना पैशन और प्रोफेशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं, और आप सब लोगों ने गाइस आवाज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ, सो ये सब तो चलेगा ही। तो यार गाइस पैशन वो होता है जिसमें जोश होता है और प्रोफेशन वो होता है जिसमें काम होता है, आप सब लोगों को तो मुझसे ज़्यादा ही पता है। तो मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों डिफरेंट है, मेरा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि प्रोफेशन को भी अलग रखना चाहिए और पैशन को भी अलग रखना चाहिए। और पैशन वो होता है कि जब आप जोश से करते हो, आप अपने शौक से करते हो, जब आपके पास फ्री टाइम होता है आप तब करते हो। और प्रोफेशन वो होता है जो आपका असल होता है, काम होता है जिसमें आप डिग्री लेते हो। और जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ जिसका पैशन फोटोग्राफी का, और अपना पैशन को भी वो प्रोफेशन बना लेगा, और उसको जब प्रोफेशन में असाइनमेंट्स मिलेंगी फोटोग्राफी की तो वो शौक से नहीं करेगा, वो टेंशन लेके करेगा कि हाय मैंने ये करना है, मैंने असाइनमेंट्स बनानी है, क्विज देना है, ये करना है, तो फिर उसका पैशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो प्रोफेशन की हद तक ही रह जाएगा। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना पैशन भी साथ लेके चलना चाहिए और प्रोफेशन को भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। तो ख्याल रखना चाहिए इस बात का, और दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप इसको मिक्सअप करो और अपने आप को ख़राब करो। तो बस मैं तो ये कहूँगी पैशन और प्रोफेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरा ये पैशन है कि वीडियोग्राफी करना, कंटेंट बनाना, तो मैं ये कहीं टेंशन लेके नहीं करती, मैं अपने शौक से करती हूँ। सो यस, और जो मेरा है प्रोफेशन वो तो आप सब लोगों को पता ही है, BSc सब होने लगा है कंप्यूटर साइंस, और इस सब को मैंने एज अ प्रोफेशन लिया कंप्यूटर फील्ड को, क्योंकि इसके आगे आप लोगों को पता है डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सो बस मैंने अपना पैशन प्रोफेशन मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं किया। सब लोग ये कहते हैं कि आपका पैशन फिर क्या, आपका तो प्रोफेशन एक जैसा ही हो गया, तो नहीं मेरा ये बिल्कुल एक जैसा नहीं हुआ। मेरा मैंने इन दो चीज़ों को मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं किया, मेरा ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो यस मैं आप सब लोगों को भी ये कहूँगी कि अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों चीज़ों को ना अलग अलग रखें, और यस ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही मैंने आप सब लोगों से ये भी डिस्कस करना था स्किल वर्सेज GPA। तो यार गाइज आप सब लोगों को इस बारे में भी क्या लगता है कि स्किल्स इंसान के पास होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं लोग ज़्यादातर पूछते हैं GPA, सो इट्स अ मैंडेटरी टाइप ऑफ थिंग, वो आप सब लोग पूछें कि इसका GPA क्या है, आप लोगों का क्या GPA है। तो आप सब लोग ना GPA की टेंशन ना लो, CGPA के लोग टेंशन लेते हैं, GPA की टेंशन लेते हैं, तो ये इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप सब लोगों के लिए ना स्किल्स मैटर करते हैं, तो जिसके पास स्किल्स है वही इस दुनिया में सक्सेसफुल है। और आप भी अगर कहीं कंपनी वगैरह खोलोगे या कोई वर्कर वगैरह चूज़ करोगे तो आप उसका GPA नहीं देखोगे, आप उसका स्किल सबसे ज़्यादा देखोगे कि वो उसके पास इतनी स्किल्स हैं कि वो मेरी कंपनी चला सकता है कि नहीं चला सकता, कंपनी को रन कर सकता। तो इस वजह से आप स्किल्स देखें, स्किल्स अपने इन्हेंस करें, स्किल्स मैटर्स अ लॉट, स्किल्स ही हर जगह मैटर करते हैं। आपका कोई GPA कोई CGPA इतना मैटर नहीं करता। मैं आप सब लोगों को ये नहीं कह रही कि आप सब लोग पढ़ना छोड़ दो, आप लोगों ने जो कोर्स रखा है, जो फील्ड आपने रखी है, आप उसके कोर्स करी जाएँ, और एट द एंड आप जब इंटर्नशिप और जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप सब लोगों के पास इतना सब कुछ हो कि आप सब लोगों का स्किल्स हों, वो स्किल्स जब आप लोगों के चेक हों तो आप सब लोग इस बारे में पॉलिश हो सको कि आप सब लोगों ने अच्छा मतलब की है अपनी डिग्री। तो CGPA GPA की टेंशन ना लो यार, ये 3 से अबव GPA जिसका होता है ना वो अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। बट लेकिन
ये नहीं मैं कह रही कि जिसके पास जीपी अच्छा है उसके पास स्किल्स ना हो तो वो, मैं ये नहीं कह रही कि जिसके पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो जीपी ना हो तो वो उसका कोई वो वैल्यू नहीं है, वो भी होना चाहिए। मतलब हमें हर चीज़ को ना बैलेंस लेकर चलना चाहिए। तो मैंने बस यही सोचा कि आज की छोटी सी ना टॉक लिटिल टॉक वीडियो बना दूँ। तो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसी का साथ देता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो बस मैंने आप सब लोगों के साथ ना ये दो बातें शेयर करनी थी, पैशन और प्रोफेशन की। और मैंने आप सब लोगों को अपने बारे में बताना था कि जिस तरह का मेरा माइंड सेट है, जो मैं सोचती हूँ कि पैशन भी डिफरेंट होना चाहिए और प्रोफेशन भी डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को अप एंड डाउन कर देंगे, मतलब साथ साथ नहीं लेके चलेंगे, तो हमारा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, बैलेंस जो हमारा बना हुआ है। तो मेरा जो पैशन है वो है वीडियोग्राफी पढ़ना, कंटेंट क्रिएटर बनना, कंटेंट इकट्ठा करना, ये मेरा पैशन है। ये मैं जोश से करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ, अपने शौक से करती हूँ। और जो मेरा प्रोफेशन है वो इंशाल्लाह है जी अब BSc कंप्यूटर साइंस, तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी अच्छी तरह से ही करूँगी, इंटरेस्ट लेके करूँगी ऑब्वियसली। तो बस अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों डिफरेंट रखें। बहुत से लोग मेरे से मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब ये कहते होंगे कि ये आप गलत कह रही हैं, क्योंकि पैशन प्रोफेशन मिक्सअप हो सकते हैं, साथ हो सकते हैं, लोग अपने पैशन को भी प्रोफेशन बनाते हैं। तो जो मेरे नज़दीक मेरा माइंडसेट है, मैंने आप लोगों से वो शेयर किया जिस तरह मैं सोचती हूँ। सो यस, मेरे नज़दीक तो ये दोनों बातें थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। और एक स्किल वर्सेज GPA, ये मैंने आप लोगों से कहना था कि अपने स्किल्स को पॉलिश करें, स्किल्स बढ़ाएँ, GPA CGPA की टेंशन ना लें, पढ़ें, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। मेहनत जो करता है वही कामयाब होता है, नो डाउट, बट अपने स्किल्स को ज़्यादा ग्रो करें, इन्हेंस करें, ताकि आप सब लोगों को आगे, मतलब इंटर्नशिप भी आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है उसमें आपको कोई मसला ना हो। आपकी हर जगह स्किल्स देखे जाते हैं, आपको स्किल्स मैटर करते हैं आपके लिए। जिस बंदे के पास 10/10 स्किल्स हैं वही आज के दौर में सक्सेसफुल है। GPA का बस एक मैंडेटरी टाइप ऑफ है, फॉर्मेलिटी होती है कि आप पूछते हैं कि आपका GPA क्या है। अगर आपका CGPA कम है और आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन है हर चीज़ की, तो वो ऑब्वियसली आपको रख लेंगे जॉब पर। आप ये नहीं करेंगे कि आपका CGPA कम है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, नो, इट्स नॉट। आपको स्किल्स आपके वो देखते हैं, स्किल आपके पॉलिश होने चाहिए। सो यस, मेरी ये लिटिल टॉक छोटी सी वीडियो थी। गाइस, दिस वाज माय होल वीडियो, होप सो यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय लिटिल मिनी वीडियो और अ लिटिल स्मॉल टॉक वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड यस प्रेस द बेल आइकन टू। और यस, मेरे व्लॉग्स भी देखते रहना, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आते रहेंगे। और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड रहना आप सब लोगों ने। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बी हैप्पी।